लौट चले गांव की ओर, प्रकृति की ओर। रविवार विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको अजबगढ़ के पास स्थित नमो नारायण जी के मंदिर के पास, इस जो पहाड़ी के तलहटी के पास स्थित इस कई सालों पुराने इस मंदिर में आप लोगों को हम भ्रमण करा रहे हैं। हमारी टीम के साथ हम मंदिर प्रांगण की ओर बढ़ रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पीछे अजबगढ़ का जो किला है वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। ये अजबगढ़ का किला है और इस किले के बिल्कुल पीछे की तरफ एक डैम बना हुआ है, जो डैम भी हम आज आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये बिल्कुल ऊपर ऊंचाई की ओर हम आपको यहाँ इस मंदिर का लास्ट जो छत्र है वहाँ तक आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। और अब हम चलते हैं मंदिर प्रांगण की ओर, जहाँ से हमारी टीम आपको इसका एग्जैक्टली वास्तविक स्वरूप दिखाएगी। ये टीम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर बढ़ रही है। प्राकृतिक नज़ारा बिल्कुल देखते ही बनता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, कितने प्राचीन समय की ये बनी हुई बावड़ी है। और मंदिर में हमारे जो बीएम सर है रावली की पहाड़ियों के पास है आपका। और ये हम पथरीले रास्ते से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप रास्ता देख रहे हैं, बिल्कुल पत्थर भरा रास्ता है। इस तरीके से हम ऊपर की ओर लिए चल रहे हैं। ये सीढ़ियों का मार्ग इस प्रकार मंदिर की तरफ हमें लेके जाएगा। प्रांगण से हम मुख्य द्वार से अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हमारी टीम पूरी मंदिर प्रांगण में श्री रघुनाथ मंदिर के पास हम पहुँच चुके हैं। पीछे आप ये देख रहे हैं, ये अजबगढ़ का किला है और ये अरावली की पहाड़ियाँ बिल्कुल इस मानसून की बरसात से बिल्कुल हरी भरी, एकदम सौंदर्य के रूप में हमें प्रतीत हो रही है। और हमारे गाँववाणी टीम का प्रयास रहता है, आओ लौट चले गाँव की ओर, प्रकृति की ओर के कार्यक्रम में, कि इस प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को फिल्मांकन आप करके आप लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। के अंदर हम पहुंच चुके हैं। ये पूरी प्राचीन समय से बना हुआ ये जो मंदिर है, जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से ये बहुत प्राचीन बना हुआ है गुंबदों के ऊपर। और इस प्रकार से इसकी संरचना को आप इसमें देख पा रहे हैं। ये यहाँ महादेव जी, शिव जी का शिवलिंग और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। साथ में बाहर आप पत्थर के ऊपर बनी हुई इस कलाकृतियों को देख पा रहे हैं। इसी प्रकार हम मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मुख्य मंदिर आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। बाहर से आप देख रहे हैं कि कैसे पत्थर के ऊपर कलात्मक तरीके से आकृतियां बनी हुई हैं, मूर्तियां बनाई हुई हैं। और अंदर ये मुख्य मंदिर का जो अंदर का भाग है वो आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा अंधेरी की वजह से हम इसे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से ये मंदिर जो प्रांगण है उसमें हमें सारी चीज़ें देखने को मिली। ये जो पत्थर को काट कर बनी हुई आकृति है, पूरा का पूरा पत्थर, इस प्रकार की शिल्प कला आज विलुप्त सी होती जा रही है, लेकिन इस पत्थर के ऊपर महीन इस प्रकार की कलाकृतियों को हमने यहाँ पर देखा। और ये मंदिर अजबगढ़ के पास में स्थित है, जो आपको कभी समय लगे तो आप लोगों को भी देखना चाहिए। ये विशालकाय ऊंचाई के ऊपर ये स्थित, तटस्थ तरीके से आप जो ये मंदिर को देख रहे हैं, इसकी बाहर की ये गुंबदें और बिल्कुल ऊपर श्री रघुनाथ जी का जो ये मंदिर है, इसके इस छत्र को आगे तीन बड़े आकार के गुंबदों के रूप में विभाजित किया हुआ है। और ये पहाड़ी की तलहटी के ऊपर इस प्रकार से बनाया हुआ ये मंदिर है। इसको आप देख पा रहे हैं कि लगभग हम धरातल से 40 से 50 फीट की ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। और ये अजबगढ़ का जो किला है उसके बिल्कुल पास में स्थित है। मैं राजेंद्र जी से जानना चाहूँगा कि सर, इस मंदिर का क्या इतिहास है, किस प्रकार ये बना हुआ है और कैसे इन चीज़ों को हम एग्जैक्टली हमारे इस गाँववाणी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं।
हमारा प्रयास रहता है हर रविवार आओ लौट चले गांवों की ओर, प्रकृति की ओर के माध्यम से, कि किस प्रकार हम ऐसी जो हमारे इतिहास में स्थित ऐसी जो प्राकृतिक रमणीय स्थल हैं जो हमारे आसपास हैं लेकिन हमारी आँखों से ओझल से हैं, उन स्थलों को हम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो मैं राजेंद्र जी जानना चाहूँगा, पीछे हमारे पास अजबगढ़ का जो किला दिखाई दे रहा है, साथ में यहाँ हम ये श्री रघुनाथ मंदिर जो अजबगढ़ है थानागाजी में, वहाँ पर हम स्थित हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इस किले का क्या महत्व है। धन्यवाद गोकुल जी। ये जो क्षेत्र है पूरा, ये यहाँ पे कछवा राजवंश की राजधानी हुआ करती थी, जो बाद में विदेशी आक्रमणकारियों के कारण वो ये जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बस गए, जिसमें मुख्य रूप से भानगढ़, अजबगढ़, ये जो जगह है यहाँ के वाशिंदे अलग अलग जगह जाकर बस गए। और जो आमेर और जयपुर की जो स्थापना की थी वो राज परिवार यहीं से उठकर गए थे। यहाँ जो हम ये मंदिर देख रहे हैं, रघुनाथ जी का मंदिर है या यहाँ और खंडर दिखाई दे रहे हैं, ये उन विदेशी आतंकियों द्वारा या विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा ध्वस्त किए गए हैं। और कुछ मंदिर समय के साथ देख रेख के अभाव के कारण भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। इनकी कलात्मकता और इनकी बनावट को देखते हुए लगता है कि ये मंदिर लगभग आज से 1000 से 1500 साल पुराने लगते हैं, जिनके अंदर कंदरिया महादेव और भी कई जो हमारी प्राचीन जो शिल्प कला और वास्तुकला है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे कि ये टोडे का निर्माण है, इसके अलावा जो इसके खम्बियाँ हैं, जिस जगह हम खड़े हैं ये कभी रंग मंडप हुआ करता था जो मंदिर के गर्भगृह से जस्ट बाहर की तरफ होता था। इस रंग मंडप के अंदर हवन, यज्ञ, आहुति वगैरह का कार्यक्रम हुआ करता था। वैसे इस जगह पे दो बड़े बांध भी है, एक का नाम है जयसागर जिसे महाराजा जयसिंह ने, अलवर के राजा जयसिंह ने बनवाया था, दूसरा है सोमसागर जो उनके एक नाई थे सोमू नाई, उनके नाम पे पहाड़ के ऊपर बनाया गया है, जिसे थोड़ी देर बाद में हम आपको वहाँ ले चलेंगे और आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद। तो अब हम यहाँ दो जो डैम हैं सोमसागर और जयसागर की तरफ आप लोगों को लिए जा रहे हैं। यहाँ ये मुख्य मार्ग से लेफ्ट साइड में जयसागर है, तो ऊपर पहाड़ी की तरफ हम अपनी टीम के साथ आप लोगों को लेके चल रहे हैं जो सोमसागर की ओर है। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर इस पहाड़ी को चढ़ने के बाद पीछे की तरफ पहाड़ों के ऊपर ऊपर की तरफ स्थित वो डैम है जिसको हम आप लोगों को दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। आओ लौट चले गाँव की और प्रकृति की ओर, गाँववाणी टीम का प्रयास है इसी प्रकार के प्रकृति के मध्य के ऐसे रोचक नज़ारे जो देखते ही मिलते हैं, उन सबको हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल जंगल के बीच हम निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पहाड़ के इस तलहटी भरे रास्ते से ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। सांस फूलने लगी है। झिलमिल दह के पास हम पहुंच गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो झरना ऊपर से गिरता है, इस झरने की तलहटी के ऊपर ये स्थित एरिया है जहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। हमारी टीम पहाड़ पे ऊपर की ओर बढ़ रही है। ये झिलमिल दह करके जगह है और हम आगे और बढ़ रहे हैं। अपनी आँखों से निहार कर मन चित प्रसन्नता का एहसास करता है। ये अभी कुछ दिन पहले ढहकर ये पत्थर इस मार्ग में अवरुद्ध के रूप में गिरा हुआ है। कुछ दिन पहले ही ये चट्टान गिरी हुई है। इस प्रकार पहाड़ को चढ़कर हम आगे बढ़ रहे हैं कि तलहटी के पास से किस प्रकार पानी रिस कर बाहर निकल रहा है झरने के रूप में। तो ऐसे प्रकृति के झरोके झरने काफी सारे हमें आगे भी देखने को मिलेंगे। एक पहाड़ को चढ़कर उसको पार करके नीचे की तरफ उतर के धरातल की तरफ समतल पार्ट पे हम चल रहे हैं, फिर एक आगे एक पहाड़ चढ़कर
सोमसागर डैम के ऊपर हम पहुंच रहे हैं। रास्ता काफ़ी पथरीला और पसीने निकालने वाला रहा। टीम फिर भी अपने हौसलों के साथ लगातार निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, हम आपको अजबगढ़ थाना गाजी में जो स्थित सोमसागर डैम है उसके पास आपको लिए चल रहे हैं। हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं वहां। तो अब हम बांध की पाड़ के बिल्कुल समीप पहुंच गए हैं। आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को भी वो दिख रही होगी किस प्रकार हम इस सोमसागर डैम तक पहुंचने के लिए इस पथरीले रास्ते से होकर अपनी टीम के साथ लगातार आधे घंटे का पैदल रास्ता चढ़कर और इन पहाड़ों से यहाँ तक पहुँचे हैं। रास्ते में कुछ झरने मिले, कुछ ये सोमसागर डैम की पीछे की जो दीवार है उसके पास से हम आगे एंट्री कर रहे हैं। जंगल के बीच इस तरह पक्षियों का चहचहाना, उनकी आवाज कानों में पहुंचकर एक मधुर संगीत का एहसास करा रही है। अन्य प्रकार के जंगली जीव जंतुओं से हमें यहाँ रूबरू होने का मौका मिला। अब हम बिल्कुल डैम के पास जो इसकी पाल है वहाँ तक पहुँच गए हैं और आप लोगों को हम इस सोमसागर डैम बांध जो बना हुआ है उसके नज़ारे से रूबरू कराएंगे। ये दोनों चारों तरफ से पहाड़ों के बीच स्थित ये बांध है जिसे सोमसागर बांध के नाम से जाना जाता है, जो पानी से लबालब भरा हुआ है लेकिन पानी अभी पूरी तरह से कम्प्लीटली इसमें नहीं आया हुआ है। उम्मीद है अभी वर्षा चल रही है, आगामी कुछ दिनों में इसे भरने के चांसेस रहेंगे। तो हम सोमसागर बांध की पाल के ऊपर स्थित हैं और हम अपने साथ हमारे साथी राजेंद्र जी आपको बताएंगे कि इस सोमसागर डैम का क्या इतिहास है और कैसे ये इतिहास में प्रचलित है। अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आप देख रहे हो, हम बीएम सर के सानिध्य में और राजेंद्र जी और लेखराज जी के साथ आज थानागाजी में हम यहाँ पर आपको सोमसागर डैम के ऊपर लेके आए हैं। तो राजेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा इस सोमसागर बांध का क्या इतिहास है, कैसे इसको बनाया गया और आज भी इसमें पीछे लबालब पानी भरा हुआ है। हाँ गोकुल जी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस सोमसागर डैम को क्यों बनाया गया था। यह कोई प्री प्लान नहीं था कि यहाँ कोई डैम बनाया जाना है, लेकिन ये एक अपन कहें कि किसी बात को लेकर इस डैम का निर्माण करवाया गया था। आज से लगभग 300-400 साल पहले सवाई जयसिंह जो अलवर के महाराजा थे, वो इधर से किसी अपने गुप्त कार्य के लिए या अपन कहें किसी सीक्रेट मिशन के लिए वो यहाँ से जा रहे थे। तो उनकी बात जब वो अपने सरदार से बात कर रहे थे तो उनकी ये बात उस गांव के अजबगढ़ जो गांव है उसके एक नाई ने सुन ली। उस नाई का नाम था सोमदत्त। जब उस नाई ने सुन ली तो महाराज को पता लगा उस नाई ने ये बात सुन ली है, तो उसे बुलाया गया और कहा गया कि भाई आप हमारी ये जो सीक्रेट योजना है जो हम जा रहे हैं जिस कार्य के लिए वो बहुत ज़रूरी है हमारा जाना, और इसे आप किसी भी तरीके लीक नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तो आपको एक ऐसा तोहफा देंगे जिसे आप ज़िंदगी भर के लिए याद रखेंगे। तो उसने कहा कि जी हुकुम ऐसा ही होगा। तो उन्होंने जब वो जाकर उनका वो पूरा हुआ कार्य, तो उसके बाद में उस नाई को बुलाया गया, उन्होंने कहा गया कि यहाँ ऊपर की तरफ जो नदी है जो आती है ऊपर, वहाँ पे एक तुम्हारे नाम से एक सागर का या एक बांध का निर्माण करवाया जाएगा जो तुम्हारी जो याददाश्त थी लोगों के अंदर चिरस्थायी रहे, जो हमेशा आप लोग आपको आपके नाम से याद करें, इसीलिए इस सोमसागर डैम का निर्माण करवाया गया। यह सोमसागर डैम जो कि धरातल से 500 फीट की ऊंचाई पे एक पठार के ऊपर स्थित है, यहाँ ऊपर से नदी आती है जो झरने के रूप में नीचे जाकर जयसागर में
गिरती है। और यह जो डैम है यह आप देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली, मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सिर्फ एक साइड से खुला है जहां से इसमें नदी के द्वारा पानी आता है। और यहां पे आप पर्सनल व्हीकल से नहीं पहुंच सकते, यहां जाने के लिए आपको 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर सिर्फ पैदल ही जाकर देखना होगा। इसके अलावा और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। यहाँ आने के बाद में इंसान अपनी जो भौतिक दुनिया है उसको भूल जाता है और सिर्फ प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, इसके अंदर खो जाता है। धन्यवाद सर, आपने हमारे गाँववाणी के इस चैनल के माध्यम से अपने विचारों को साझा किया और साथ में हमारे अलवर जिले के अजबगढ़ के पास स्थित इस ऐतिहासिक स्थल का आपने महत्व हम लोगों को समझाया और साथ में जो लोग गाँववाणी चैनल से जुड़े हुए हैं उनको भी भान हुआ कि हमारे आसपास अलवर जिले में भी इस प्रकार के इतिहास पे पन्नों पर अंकित चीजें हैं। और अभी राजेंद्र जी कुछ जानकारी और साझा कर रहे हैं हमारे साथ। एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं इसी के पास में जब हम वापस नीचे चलेंगे और जयसागर बांध के पास जाएंगे, हालांकि फिलहाल में यहाँ इतनी बरसात नहीं हो पाई है जिससे कि उस पानी में बांध के अंदर पानी आए, लेकिन फिर भी यहाँ से लेके और आगे 15 किलोमीटर गोलाघाट तक जो ये एरिया है इसे ग्रीन वैली बोला जाता है, यानी हरी घाटी, क्योंकि इस एरिया में हमेशा हरियाली छाई रहती है चाहे कोई सा भी मौसम क्यों ना हो। दोनों साइड ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में घने सघन जंगल है और उसके बीच से रास्ता निकला हुआ है जो कि जब इधर से कोई भी निकलता है तो देखते ही बरबस उसके मुंह से निकल जाता है कि वाह किस इलाके में आ गए, एक शानदार जिसे अपन कहे टूरिज्म की जगह ये मानी जाती है। धन्यवाद गोकुल जी आपको इस चीज़ के लिए। नहीं धन्यवाद सर, आपका प्रयास है किस प्रकार हम थानागाजी में आपसे जुड़कर और लेखराज जी और बीएम सर से जुड़कर इस प्रकार के प्राकृतिक स्थलों को हम अपने गाँववाणी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आओ लौट चले गाँव की ओर, प्रकृति की ओर। हमारे गाँववाणी का एक प्रयास है कि इस प्रकार के रोचक रमणीय स्थल जो हमारी प्रकृति में हमारे आसपास इर्द गिर्द स्थित हैं उन्हें हम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। अगले रविवार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ और हमारी पूरी गाँववाणी टीम आप लोगों को एक ऐसे ही रमणीय स्थल पर लाकर और आप लोगों को भ्रमण कराएगी और साथ में प्रकृति के साथ कुछ समय बिताने के लिए और कुछ इस तरह के रमणीय स्थलों के बारे में आपसे रूबरू कराने का काम करेंगे। तो आओ लौट चले प्रकृति की ओर, आओ लौट चले गाँव की ओर। इसी थीम के साथ फिर से हम आप लोगों से जुड़ते हैं और इसी प्रकार हमारे साझे प्रयास को बनाए रखते हैं। धन्यवाद।